दुनिया में पदार्थ यानी मैटर के 5 तरह के प्रकार होते हैं, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसेंट और बदलते प्रकार वाला पदार्थ। इन सब से रोशनी निकलती है या ऑब्जर्व होती है। इन्हें देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन अब वैज्ञानिक ऐसे पदार्थ की खोज करने जा रहे हैं जो ना दिखता है ना मिलता है लेकिन मौजूद है। उस पदार्थ को कहते हैं डार्क मैटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड इसी पदार्थ से जुड़ा है, इसी की ऊर्जा से चल रहा है। अब इसे खोजने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नया मिशन तैयार किया है जिसका नाम है यूक्लिड मिशन। इसके तहत अंतरिक्ष में एक यूक्लिड टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा। यूक्लिड टेलीस्कोप डार्क मैटर की खोज करेगा। इसी डार्क मैटर से ब्रह्मांड बना है, यानी हमारा यूनिवर्स। सिर्फ डार्क मैटर की ही खोज नहीं करेगा बल्कि डार्क एनर्जी की भी खोज करेगा। इस मिशन की लागत है 90,148 करोड़ रुपए। डार्क मैटर शब्द 1998 में दिया गया था जब ये पता चला था कि ब्रह्मांड को इसी ने बनाया है। ब्रह्मांड के 80% हिस्से में डार्क मैटर है जिसकी डार्क एनर्जी से सारी गैलेक्सीज, प्लैनेट और सोलर सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। हैरानी की बात ये है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही अदृश्य है, दिखते नहीं। वैज्ञानिकों ने इनके होने की बात सिर्फ इस बात से पुख्ता की है क्योंकि इनका असर प्लैनेट और गैलेक्सीज के बदलाव पर दिखता है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर एंडी टेलर कहते हैं कि डार्क मैटर और उसकी एनर्जी ब्रह्मांड का ऐसा रहस्य है जिसे सुलझा पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही मिलकर पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। अगर यूक्लिड टेलीस्कोप ने हमें इन दोनों चीजों को समझने का सटीक सबूत या मौका दिया तो ये इतिहास बदलने जैसा होगा। यूक्लिड को पिछले साल रूसी सोयुज रॉकेट से लॉन्च करने की तैयारी थी, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रूस से सभी वैज्ञानिक संबंध खत्म कर दिए। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस टेलीस्कोप को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ने का समझौता किया है। इसकी लॉन्चिंग 1 जुलाई 2023 को हो सकती है। यूक्लिड टेलीस्कोप सोलर सिस्टम को पार करेगा। पार करने के बाद वो धरती से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर रहेगा। यहाँ से टेलीस्कोप हमारे अंतरिक्ष में सूरज, धरती, चांद जैसे अन्य प्लैनेट्स की खोजबीन करेगा। इस टेलीस्कोप का वजन 2 टन है और इसकी ताकत हबल टेलीस्कोप से भी ज्यादा है। यूक्लिड टेलीस्कोप रात में भी अंतरिक्ष में गहरी निगरानी कर सकता है। ये एक साथ तीनों आयामों का नक्शा बना सकता है, यानी हमारे पास स्टडी करने के लिए 3 डायमेंशन होंगे। ऐसी सटीकता से ही डार्क मैटर और एनर्जी के बारे में पता किया जा सकता है।